लेस्को की बात करें तो लेस्को ना तो लोड शेडिंग का जिन काबू में ला सकी है और ना ही महकमे के अमले के खिलाफ कार्रवाई कर सकी है। इस तरह मीटर के कनेक्शन को बहाल करवाने के लिए RCO बनाने की आड़ में रिश्वत का बाजार गर्म है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राणा सरवर सुल्तानपुरा में डिवीजन के बाहर मौजूद हैं। जी राणा सरवर, बताइए कि यहाँ पर RCO के नाम पर सार्फिन से रिश्वत का सिलसिला कब से जारी है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तानपुरा सब डिवीज़न के बाहर, जहाँ पर करप्शन का जो बाज़ार है वो सरगर्म है। यहाँ पर लैंड सुप्रिटेंडेंट रिकवरी मैन फैसल भट्ट ने करप्शन का बाज़ार है वो इस वक्त गर्म किया हुआ है। RCO की फ़ीस और मीटर लगाने की फ़ीस वो दरअसल यहाँ पर सार्फिन से वसूल कर रहा है, क्योंकि रिकवरी का काम है कि सार्फिन से जो रिकवरी लेस्को के हवाले से उसको इकट्ठा करना है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो मौजूद लाइन सुप्रिटेंडेंट फैसल भट्ट, उसने करप्शन की भरमार की हुई है। सार्फिन यहाँ पर बिल जमा करवाता है और करवाने के बाद जब घर घर जाता है तो देखता है कि उसका मीटर वहाँ पर नहीं है। जैसे ही वो वापस डिवीज़न आता है तो फैसल भट्ट मीटर लगाने का 1,000 रुपया मांगता है। अगर सार्फिन ना दे तो उसको कहता है कि आप जाएं इसका RCO बनवाएं। सार्फिन के साथ बैसा मुबासा होता है कि मैंने तो बिल जमा करवा दिया, मैं RCO किस चीज़ का बनाऊँ। लेकिन फैसल भट्ट जो कि वहाँ पर गुंडा बना हुआ है, वो कहता है कि जी आप RCO बनाएंगे तो आपका मीटर लगेगा, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। सार्फिन के साथ बदतमीजी करता है और उसको धक्के निकालने की धमकी देता है। एक 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 कस्टमर जिसका नाम फजशा है और उसका एक तंदूर है, उसका भी मीटर इसी तरह काट लिया गया था कि उसने बिल तो जमा करवा दिया था, लेकिन फैसल भट्ट उससे रिश्वत की डिमांड कर रहा था। अगर मीटर लगवाना है तो 1,000 रुपये दें, अगर उसका RCO बनवाना है तो कम से कम 3 से 5,000 रुपये लगेंगे। साजिद शाह ने उसके साथ बहस की, लेकिन फैसल भट्ट ने उसकी एक ना सुनी और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद सार्फिन खुद ही मजबूर होकर दोबारा वहाँ पर गया और उसको पैसे दिए। पैसे देने के बाद आज उसका कनेक्शन बहाल कर दिया गया। अब सवाल ये है लेस्को के आला अफसरान से अवाम का कि यही सलूक अगर रहा तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि काली भेड़ें इस वक्त मौजूद हैं लेस्को के अंदर भी, और लेस्को के अंदर जो बाज़ार है करप्शन का वो इस वक्त सरगर्म है। जी जी राणा सरवर, बहुत शुक्रिया।